आज चांद पर लैंड होने जा रहा है भारत का चंद्रयान 3। चंद घंटों में चांद की सतह पर चंद्रयान की सफलतम लैंडिंग की प्रबल संभावना जताई जा रही है। देश भर में भारत के इस चंद्रयान मिशन के प्रति जितनी उत्सुकता है उतने ही विश्व भर में भी है। विश्व के वह देश जो विगत एक अरसे से विज्ञान जगत में अपना परचम लहराए हुए हैं, अमेरिका की नासा संस्था विज्ञान की दुनिया में स्पेस पर अपने अधिकारों को लेकर इतराती है। उसका मंगल मिशन बहुत ही सफल माना जाता है, लेकिन नासा की ओर से चांद पर किसी यान को भेजने जैसा कोई अभियान नासा के वैज्ञानिकों द्वारा वर्तमान समय में इसलिए नहीं चलाया गया कि चांद पर किसी यान का सफलतापूर्वक लैंड किया जाना बहुत ही मुश्किल और चुनौती भरा माना जा रहा था। लेकिन इस चुनौती को भारत की स्पेस रिसर्च संस्था इसरो ने सहर्ष स्वीकार किया। पिछले वर्ष चंद्रयान 2 की असफल लैंडिंग के बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों ने फिर से इस मिशन को सफलता के साथ अंजाम देने का बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इनके इस चंद्रयान मिशन का देश भर में स्वागत हो रहा है, तो दुनिया भी भारत के चंद्रयान मिशन का अचंभित होकर स्वागत कर रही है। चंद्रयान द्वारा शाम 6 बजे चांद के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरा जाएगा। पूरा हिंदुस्तान इस मिशन को सफल बनाने के लिए मंदिरों में प्रार्थनाएं कर रहा है, यज्ञ और हवन कर रहा है। इस मिशन पर सफल होता है तो भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश माना जाएगा। रशिया का लूना चंद्रयान 3-4 दिन पूर्व ही चांद की सतह पर उतरने की कोशिश में फेल हो गया है। हमारा देश इस अभियान में सफल होने की 100% संभावना बना रहा है, यानी कि कोशिश जारी है। इसरो के वैज्ञानिक इसे सुरक्षित रूप से उतार पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। सारा देश आशा भरी निगाहों से देख रहा है, सारा देश उत्साहित भी है और वैज्ञानिकों के इस मिशन के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। भारत के इस अभूतपूर्व मिशन को हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, हमारे साथ बने रहिए देश विदेशों की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।